हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम कुछ फ्रेंड्स ने प्लान किया था गुलमर्ग में कैंपिंग करने का। अभी वैसे पता नहीं है कि वहाँ पे अलाउड है कैंपिंग करना कि नहीं, तो रास्ते में हम अपने कुछ फ्रेंड्स यानी उज़ैर, जीरान, बासित एंड आमिर को पिक कर लेते हैं और चलते हैं सीधे गुलमर्ग के लिए। और इनके सब कुछ सही रहा तो वहाँ पर कैंपिंग भी करेंगे हम। वैसे रास्ते में खाने पीने की कुछ चीज़ें भी ले लेते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी इन सब चीज़ों की। तो मिलते हैं आप सबसे डायरेक्टली गाड़ी में। मैं पहले उन सबको पिक कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको उन सबसे इंट्रोड्यूस भी करा देता हूँ एक बार। तो सी यू डायरेक्टली इन द कार, टेक केयर। जीरान चल पहले कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, ठीक है? चल आजा, चल तू और ये जाएंगे आमिर। हाँ, आमिर आमिर जब चल खाने के लिए लेके आओ। तुम अरे बासित आमिर चल ना जा, तुम चल उजैर तू जा यार भाई, ठीक है? सब जाएंगे, हां भी उतरो, सभी जाएंगे, उतरो। चल आज हां गाड़ी लॉक कर दे, चल सारे उतरे। हां चल ठीक है, चल। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहां से, माशाल्लाह। टाइम पे सनसेट का टाइम एक्चुअली, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम होने वाला है। तो एक्चुअली हम देखेंगे गुलमर्ग में कैसा क्या कंडीशंस होंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे एक्चुअली कैंपिंग का सोच रहे हम। बासित कहाँ है? वेयर इज बासित? कम ऑन ब्रो, खाते हैं कुछ यहाँ पे। तो गाइज अभी मॉर्निंग हो चुकी है। एक्चुअली कल हमने सोचा था यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, कैंपिंग साइट ढूंढ रहे थे, बट कुछ पुलिस वाले नीचे मिले थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए फिर ये रिजॉर्ट में आ गए हम। रिजॉर्ट पे कुछ बुकिंग किया। तो इस टाइम भी बहुत मौसम बहुत सही हो रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देता हूँ एक बार। सो गाइज दिस इज़ द बाबा ऋषि मस्जिद और यहाँ पे इनके कुछ रूम्स हैं। यहाँ पे हलाल करते हैं। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे इनके कुछ रूम्स भी, अगर किसी को आना होता है तो वो इन्हीं रूम पे स्टे करते हैं। और यहाँ से ये पूरा जो है बाबा ऋषि का फॉरेस्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। अभी आमिर और मैं ब्रेकफास्ट लाने जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये रूम्स है ना, नीचे मस्जिद है। हाँ, तो बाकी जीरान और उजैर वो बासित सो रहे हैं नीचे, तो उन्होंने बोला कुछ लेके आओ खाने के लिए, तो देखते हैं इनके से यहाँ पे अभी कुछ मिला तो लेके जाते हैं। गाइस तो बोटिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, अपना कश्मीर कितना सुंदर है ना। हम फिर भी थोड़ा लेट हो गए। हाँ, जो सुबह सुबह सूर्य जब उठता है वो तब पहाड़ी है और ज़्यादा खूबसूरत है। अभी जो सबसे ब्यूटीफुल एरिया है जो इधर का कश्मीर का, जहाँ हमने जाने के लिए प्लान किया हुआ था, जैसा कि आपने बताया इनको कि क्या हुआ था, हम क्यों नहीं जा रहे। नहीं, वो प्लान ही बता रहे भाई, वो प्लान रहे। तो अभी
हम उस जगह नहीं जा पाए वरना वो कितनी खूबसूरत है हम सब क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, गुलमर्ग जाने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हमने फिर बाबा ऋषि में रात को स्टे किया था। तो अभी यहाँ से घर ही चलते हैं, या अगर रास्ते में कहीं और प्लान बना तो चलते हैं वहाँ पे, बट गुलमर्ग तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो चलो मिलते हैं। सो गाइज, एक्चुअली हमने कल प्लान किया था कैंपिंग करेंगे, बट वहाँ पे अलाउ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे एरिया में उस यार, बट मज़ा नहीं आया ज़्यादा ना कैंपिंग का। हमने प्लान भी कैंसिल हो गया और यार चिकन का सबसे गंदा सीन चिकन का हुआ, हमने चिकन लाया था और वो शॉप पे ही रह गया। चल कोई नहीं, बट मज़ा आया है ना, मज़ा आया यार। बट टेंट साथ है, बहुत ये सोचा था कि कैंपिंग करेंगे वहाँ पे, बॉनफायर करेंगे, तो यहाँ से व्यू देख। सो गाइज हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो गाइस यहाँ से व्यू आप देख सकते हो पूरा कितना अच्छा है, यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट एरिया है इस साइड से। ये हमारे सरकार है। हेलो सर। ए ब्रो व्हाट्स अप। और ये मॉडल एंड ही इज अनदर गाय आमिर। हाय ब्रो। चल आमिर बैठ जा भाई की तरह लेट हूं। गाइज अभी थोड़ा सा यहाँ पे फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो गाइज अभी हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। एक्चुअली सोचा कुछ था और हो कुछ और गया, कैंपिंग नहीं कर पाए हम नेवरदलेस, बट बहुत मज़ा आया ट्रैवल करने में। वहां पे जो नाइट स्टे था वो भी बहुत सही था। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी जगह के लिए। तो इन केस आपको वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।